डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, देयर इज ऑप्शन ए है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ ए सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपको यहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बतानी है और आपको दिया क्या है, वन मोलल सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें 0.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। कैसे भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किलोग्राम, सही है ना। अब मोलैलिटी कितनी दी गई है, 1 दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हैं, 0.5 दिए हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसमें है, केजी में, ठीक है ना। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट केजी में आ गया कितना, 0.5 केजी। तो 0.5 केजी के ग्राम कितने हुए, 500 ग्राम। यानी 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट एंड 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 एंड कह रहा है कि कैलकुलेट अप टू द सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 9.5 ग्राम, दूसरा 1.25 ग्राम, तीसरा 1.32 ग्राम और चौथा दिया है 3.65 ग्राम। तो देखो, क्वेश्चन को समझने के पहले तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ लगा देंगे। आपसे मैं अगर कहूँ कि फर्स्ट वाला आंसर होगा क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। मैंने भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर के लिए कंडीशन उसने दे दी कि आपको सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, यानी कि बी सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरा हम यहाँ पर देखते हैं और इसको समझते हैं। देखो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड। आपको क्या किया गया है, एक 95% प्योर CaCO3 का एक सैंपल दिया गया है। मतलब आपको क्या किया गया, सैंपल दिया गया है और इसी का मास पूछा है, यानी कि वेट ऑफ सैंपल आपसे पूछा गया है, जो कि जिसमें कि जो CaCO3 है वो रिएक्शन करता है कितने से, ये रिएक्शन करता है कि 50 ml और 0.5 मोलर HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन में इन्होंने दे दिया कि रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होती है, यानी कि CaCO3 और प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर चूँकि हमको रिएक्शन में सब कुछ नहीं देखना है, हमको जो जो पूछा गया उसके बारे में देखना क्या है, हमें CaCO3 और HCl का डेटा दिया है तो हमें CaCO3 और HCl पर फोकस करना है। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो CaCO3 की बात करें तो ये कितने मोल है, तो ये 1 मोल है और यहाँ पर ये कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से हम मोलैरिटी HCl की मोल निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लगा के मोल निकाल सकते हैं। तो अब हम स्टोइकोमेट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हम बोलेंगे 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CaCO3 देन दिस मोल ऑफ HCl, यानी कि इतने मोल HCl जो होगा वो कितने मोल CaCO3 के साथ रिएक्शन करेगा, इससे हमको CaCO3 के मोल पता चल जाएंगे जो कि इस सैंपल में होंगे। CaCO3 के मोल निकल गए तो उससे मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर CaCO3 का वेट पता चल गया जो कहां पर होगा, इस सैंपल में होगा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाना है और परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा के हम वेट ऑफ सैंपल को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो HCl गिवन डेटा है इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि CaCO3 के मोल कितने होंगे, यहाँ पर इस सैंपल में CaCO3 के कितने मोल होंगे, उस मोल से उस CaCO3 का वेट पता कर लेंगे और वो वेट पता करके फिर ये परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाया कि इतना वेट बाई टोटल वेट इंटू 100 या वेट ऑफ CaCO3 बाई सैंपल वेट, वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 और ये लगा के आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
चलिए देखते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा भाई मोल्स ऑफ HCl बताओ, तो तुमने बोला सर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो मैंने कहा भाई मोलैरिटी तो यहां पर दी गई 0.5 इंटू वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर में वॉल्यूम अगर करोगे तो 50 बाई कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहां से हमने पॉइंट हटाया तो एक जीरो यहां पर बढ़ गया, कुल मिला के मेरे पास 250 बाई 10000 आ गया। यहां से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी वो 1/40 मोल्स आ जाएगी। अब ये क्या है 1/40 मोल HCl है, तो क्या यहां से हम निकल कैलकुलेट कर सकते हैं CaCO3 की? हाँ कर सकते हैं। कैसे भाई? हमने यहां पर लिखा सिंस टू मोल ऑफ HCl, टू मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विद वन मोल ऑफ CaCO3, देन 1/40 मोल ऑफ HCl। तो आपने बोला कि सर 1/2 में 1/40 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/80 मोल्स आ जाएंगे किसके? CaCO3 के। तो हमें 1/80 मोल जो है वो CaCO3 के पता चल गए। तो मोल पता चल गए तो वेट पता कर लो, तो वेट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अब जरा मोल्स कितने हैं 1/80, जरा मॉलिक्यूलर वेट पता करो। तो भाई CaCO3 है, तो CaCO3 में कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, ये वैल्यू टोटल आ गई कितनी 100, सही है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, जीरो जीरो जाएगा और ये वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर 1.25 ग्राम जो था वो क्या था, CaCO3 था। कहाँ पर? इस सैंपल में, जिसने रिएक्शन किया इतने मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो भाई आप परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाओ और वेट ऑफ सैंपल को पता कर लो। आपने फॉर्मूला लगाया कि परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ CaCO3 बाय हो जाएगा वेट ऑफ सैंपल इनटू क्या हो जाएगा 100। तो भाई वेट ऑफ सैंपल की बात अगर करोगे तो वेट ऑफ CaCO3 बाय क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी इनटू क्या हो जाएगा 100। वेट ऑफ CaCO3 कितना है 1.25 ग्राम इनटू कितना हो गया 100 बाय परसेंटेज प्योरिटी कितना है 95% प्योर है, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से जीरो आ जाएगा, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टोटल 1250 बाय कितना हो जाएगा 95। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.32 ग्राम आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आंसर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर सैंपल की का वेट कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले से। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 ml ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड इन 250 ml ऑफ बीकर, एल्ब्यूमिन फ्रॉम द एग वाज पॉर्ड इन टू द NaCl सॉल्यूशन एंड स्टिर वेल। कह रहा है दिस रिजल्टेड इज ए और एन, कह रहा है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन है, लायोफोबिक सॉल्यूशन है, इमल्शन है और प्रेसिपिटेशन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आंसर आप अपने आप बता देंगे कि भाई आंसर क्या है। आपके पास एक 250 ml का बीकर है, आपने क्या किया 250 ml का एक बीकर लिया, सही। और इस बीकर में आपने क्या किया 100 ml, आपने यहाँ पर इसमें 100 ml 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन बनाया। बात समझे ना, इसको आपने क्या किया वाटर में बना लिया, वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पे वाटर बना लिया। उसके बाद आपने एग से क्या किया एल्ब्यूमिन जो है वो इसमें मिलाया, आपने यहाँ पर क्या किया कि एग एल्ब्यूमिन जो है वो यहाँ पर मिलाया। अब एग एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन आपको याद आ रहा है कि जो एग का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, एग का जो होता है जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो जो होता है एग एल्ब्यूमिन होता है, सही। आपने इसको मिलाया और मिलाने के बाद में इसको स्टिर भी किया, आपने इसको क्या किया पूरा जो है वो मिक्स कर दिया, इस सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। कह रहा क्या बना रहा है,
तो पहली बात तो ये देखिए कि प्रोटीन जो है वो कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में जब आप सॉल्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर केस में लायोफिलिक जो है वो कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये जो मेथड है वो एक्चुअल में लायोफिलिक कोलाइडर सोल्यूशन बनाने का भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने किया क्या है, आपने एक बीकर लिया है और बीकर में 100 ml 5% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन में आपने एग एल्ब्यूमिन मिला दिया, ट्रांसपेरेंट पार्ट मिलाया। यहाँ पर एक बस सावधानी आपको ये रखनी है कि जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए, वो कोल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोल्ड वाटर लेंगे तो ये क्या करेगा, लायोफिलिक कोलाइडर सॉल्यूशन को बना देगा। ये जो होगा वो क्या करेगा, लायोफिलिक कोलाइडर सॉल्यूशन जो होगा उसका फॉर्मेशन कर देगा। बट अगर आपने हॉट वाटर ले लिया तो हॉट वाटर लाने से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है या कोएगुलेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है वो कोएगुलेशन हो जाता है या प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बात समझ में आई ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉट वाटर का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं और ये लायोफिलिक कोलाइडर सॉल्यूशन बना लेता है जो कि एक स्टेबल कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। ये जो होता है एल्ब्यूमिन के साथ जो होता है वो स्टेबल कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है कि आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मेथड जो है वो एल्ब्यूमिन के लायोफिलिक कोलाइडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन मेथड वो बताया गया है। ठीक है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज, और यहाँ पर स्पेस लिखा हुआ है और स्पेस के बाद ये बोल रहा है कि नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर लाना है और (10^-1) नॉर्मल दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, जरा इसको समझते पहले क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है और फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको समझ में तो आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, H2SO4NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। कह क्या रहा है जरा देख लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि आपको जो है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 बताना है। जब नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 बताना है इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन फाइनली क्या है, एसिडिक है, यानी कि H2SO4 के इक्विवेलेंट जो होंगे वो कुछ ना कुछ आ रहे होंगे। ठीक है ना, कह रहा नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml। आपको किया क्या कि 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 दिया गया है, इसमें मिलाया गया है और इसी में मिला दिया गया क्या 50 ml 0.1 मोलर NaOH। सही, तो आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये N1V1 - N2V2 / क्या होता है V1 + V2, और ये आप देख लेते हो कि कौन ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी हाई वैल्यू होती है वो N1V1 होता है। ठीक है ना, तो चलो भैया आप ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने H2SO4 के इक्विवेलेंट यानी कि N1V1 ऑफ H2SO4 निकाल लें, N into V ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर लो। तो अब यहाँ पर जरा बात समझो, दिया तो मोलैरिटी है तो इसका मतलब मोलैरिटी इनटू क्या होगा, एन फैक्टर। ये तो नॉर्मेलिटी हो जाता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझे ना, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है H2SO4 की है, 0.1 है, इनटू एन फैक्टर H2SO4 का। H2SO4 से कितने H+ ion मिलेंगे, 2 मिलेंगे भाई। H+ ion कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और 2 मिलेंगे तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 2। तो ये 2 इंटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना, तो वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। सही है ना, अब ये 0.1 यानी 0.01 और ये क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि 0.02 जो होगा वो इसके N1V1 की वैल्यू आ गई। सही, ठीक है भाई। अब आ जाओ जरा हम NaOH के कैलकुलेट कर लें, तो N into V ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप देखो तो इसके मोलैरिटी, यहाँ पर भी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। अब NaOH का एन फैक्टर कितना, तो भाई NaOH से OH- ion कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी इसकी दी है 0.1 इनटू एन फैक्टर 1 इनटू वॉल्यूम इन ml की ml में दिया हुआ है। अगर हम लीटर में बात करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लीटर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.005 आ जाएगी। सही है ना, चलो भैया फाइनली देख लो, n इक्वल टू हो जाएगा 0.02 - 0.05 / हो जाएगा क्या, 0.005 और बाय हो जाएगा कितना, लीट कितना होगा टोटल, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा 100
100 प्लस 50 यानी कि 150, यानी कि हो जाएगी वैल्यू 0.15, ठीक है ना। तो अब चलो आ जाओ भाई, यहाँ से 0.02 से माइनस कर दो, तो 0.02 माइनस करो 0.005, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नॉर्मेलिटी आपकी हो गई 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15, तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया, यहाँ से हट गया, एक ज़ीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 बाई 150 यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, या फिर आप इसको लिख दो कि 1 × 10⁻¹, तो 1 × 10⁻¹। अब ये कह रहा है कि 10⁻¹ नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन होगा, 1 होगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाइल एस्टिमेटिंग द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड, जेल्डाल मेथड में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, तो वही प्रोसेस ये बता रहा है। कह रहा था अमोनिया इवॉल्व, जो अमोनिया निकली है फ्रॉम 0.25 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज 2.5 ml ऑफ 2 molar H2SO4, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखिए कह ये रहा है कि एक जेल्डाल मेथड में आपने क्या किया, एस्टिमेशन किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका वेट था 0.25 ग्राम। इससे जो अमोनिया इवॉल्व हुई क्यों हुई, क्योंकि भाई इसके पास नाइट्रोजन था और इसी नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो जो अमोनिया इससे इवॉल्व हुई उसको न्यूट्रलाइज किया गया, किससे उसको न्यूट्रलाइज किया गया, 2.5 ml 2 molar H2SO4 से इसको न्यूट्रलाइज किया गया, 2.5 ml 2 molar H2SO4 से। देन आपसे कह रहा है कि आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको बताना है, सही। रिएक्शन आपने बोला कि सर रिएक्शन जो है वो कैसी है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो 2NH3 और प्लस क्या होगा H2SO4, और ये गिब्स क्या होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 mol जो होंगे वो अमोनिया के मॉलिक्यूल जो होंगे वो 1 mol जो है वो H2SO4 के लिए लगेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। यहाँ पर 2 mol अमोनिया के मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे, वो 1 mol H2SO4 के से लगेंगे। और दूसरा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि अमोनिया का मॉलिक्यूल इसके पास लोन पेयर है और ये इससे H+ ion एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाएगा। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इसका एन फैक्टर बताओ, तो मैं कहूँगा एन फैक्टर जो होगा ऑफ अमोनिया जो है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और मुझसे कोई बोले कि एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन बताइए, तो भी मैं बताऊँगा कि ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। चलिए भाई ठीक, अब एसिड बेस रिएक्शन है तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत फिट होती है कि सर इक्विवेलेंट वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, और ये इक्वल टू आप कह सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। कैसे भाई, एसिड बेस रिएक्शन तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक। अब ये अमोनिया आई कहाँ से, अमोनिया नाइट्रोजन से आई, तो जो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा वो इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा ना, सही है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, यानी कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, बट H2SO4 की नॉर्मेलिटी नहीं दिया, क्या दिया, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है। अच्छा वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, मोलैरिटी कितनी है इसकी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, सही है ना, किसका, H2SO4 का। तो चलो भाई मोलैरिटी कितनी दी है, 2 दिया है, एन फैक्टर H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा भाई, 2H+ ion दे रहा है, और जब 2H+ ion दे रहा है तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम कितना, 2.5 ml में है, ml में है तो लीटर में बदल लो, तो लीटर में डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर देखिए ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर एक जीरो आ गया, तो अगर हम इसको देखें 50 और ये 100 हो गया, यानी 100 by क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ से जीरो से ले आएंगे, ये हो जाएगी वैल्यू 1/100 हो जाएगी, यानी कि 1/100 इक्विवेलेंट आ गए किसके, नाइट्रोजन के आ गए।
अब आप ये पूछेंगे सर हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट क्यों किया, भाई जरा सोचो, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज पता करनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यानी कि आपको परसेंटेज पता करने के लिए नाइट्रोजन का वेट चाहिए। तो वेट आप कैसे ला सकते हो, वेट आप ला सकते हो जब आपको इक्विवेलेंट पता चल जाए नाइट्रोजन के कितने हैं। और नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट कैसे पता चलेंगे, भाई जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे उतने ही तो, जितने नाइट्रोजन होंगे उतने ही तो अमोनिया बने होंगे। तो यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, सही है ना। ठीक, तो आपने इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से फाइंड कर लिए। अच्छा, अमोनिया के जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने इक्विवेलेंट वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो यहाँ H2SO4 के इक्विवेलेंट से आपने क्या क्या है, अमोनिया पता किया, अमोनिया से नाइट्रोजन, बात वही होगी, 1/100 आ गया, सही। अच्छा, अब इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। वेट हमको पता करना है तो वेट हमने पता कर लिया, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। बट एन फैक्टर तो यहाँ पर आप देखिए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से, बात समझ आई ना। तो अब 1 आ रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या 14 बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। 14/100 किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.14 आ गई। तो 0.14 ग्राम हमें नाइट्रोजन का वेट यहाँ पर पता चल गया। अब बस हम यहाँ पर आंसर ले आएंगे, क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगाओ। तो नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या होगा, 100। नाइट्रोजन का वेट कितना, 0.14 बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.25 इंटू क्या किया, 100। इसको सॉल्व किया तो ये 56% आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 56% आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। आपको कैल्शियम दिया, मैग्नीशियम दिया, स्ट्रॉन्शियम दिया और कैल्शियम पोटेशियम दिया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनको अरेंज करिए, और अरेंज करने के बाद आप उसमें लॉजिक लगाइए कि पीरियड में जाने पर क्या होगा और ग्रुप में जाने पर क्या होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए जरा देख लेते हैं। देखो, अगर हमने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको अरेंज किया तो अरेंज करने पर आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम और कैल्शियम के बाद आएगा स्ट्रॉन्शियम। अब ये कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसके पहले 19 ये पोटेशियम आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। अब मेटल की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हो तो लेफ्ट टू राइट चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास कौन सा होगा, तो एल्कली मेटल जो होते हैं, वैसे भी एल्कलाइन मेटल से क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पोटेशियम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा अमंग देम। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो पोटेशियम से कम होती है। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, XCF4 प्लस SBF5 गिव्स XCFmN प्लस एंड SBFpQ- माइनस एंड वैल्यू ऑफ M प्लस N प्लस P प्लस Q इज। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन यहां पर हो रही है कि ये दोनों मिलके कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इधर रिएक्शन देख लो यार, रिएक्शन देखने से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये हो रहा है XCF4 प्लस क्या हो रहा है, SBF5। तो ये बना देगा क्या, ये बना देगा XCF3 बना देगा प्लस, और ये बना देगा SBF6 बना देगा माइनस, सही है ना। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब जरा सोचो कि ये क्या है, M है, ये क्या है N है, ये क्या है P है, और ये क्या है Q है। ठीक है ना,
तो आप जब सोच रहे हो m प्लस n प्लस p प्लस q, m की वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस p की वैल्यू 6 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 6 प्लस 1 7 और 8 हो जाएगा 8 3 11, यानी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा, यानी कि आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है कह रहा है कि आयनिक रेडियस ऑफ एल आई प्लस इज ग्रेटर देन द एम जी टू प्लस, और दूसरा स्टेटमेंट है एल आई प्लस एंड एम जी टू प्लस कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और वही वाला कि वन और टू करेक्ट है, वन और टू इनकरेक्ट है, वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, और वन इनकरेक्ट है, टू करेक्ट है, इस तरह का ऑप्शन चार। चलिए ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो जो रेडियस लिथियम आयन की होती है वो एक्चुअल में 76 पिकोमीटर होती है, और जो रेडियस Mg2+ आयन की होती है वो 72 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब हो गया कि रेडियस ऑफ लिथियम आयन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Mg2+। इसका मतलब है कि S1 जो होगा वो तो करेक्ट हो जाएगा, ये जो है वो कैसा है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भाई लिथियम एंड मैग्नीशियम आयन कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो देखो ये भी जो है वो करेक्ट आए हैं। क्यों करेक्ट है भाई? एक्चुअल में क्या होता है कि इन दोनों का साइज जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और इन दोनों का साइज स्मॉल साइज होता है, और जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है उसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो O2- होता है। सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, O2- होता है। आप जरा आप बना दो जरा, तो देखो ये Li+ के साथ O2-, इसका मतलब LiO2 आपने बना दिया। दूसरा Mg2+ के साथ O2 माइनस और फिर ये O2 माइनस, यानी ये बन जाएगा MgO2 होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये सब पॉसिबल नहीं होते, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये बनते ही नहीं हैं। बात समझ गई ना? तो इसकी वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से दोनों का साइज स्मॉल होता है, तो ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, यानी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका वन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई जिप्सम इज यूज्ड इन सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम का यूज क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द हाइड्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, दूसरा कह रहा है टू गिव अ हार्ड मास, सी कह रहा है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट, और डी है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। देखिए यहां पर आपको बता दें कि जो सीमेंट है इसमें जिप्सम का को हम ऐड करते हैं किसके लिए, इसलिए कि यहाँ पर जो सेटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। अच्छा, स्लो हो जाए तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो सेटिंग होगी वो सीमेंट की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बात समझे? क्यों? क्योंकि स्लो प्रोसेस होगी, तो स्लो प्रोसेस में मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच में बाइंडिंग जो होगी वो बढ़िया होगी, और जब बाइंडिंग बढ़िया होगी तो सीमेंट जो होगा वो बढ़िया से सेट होगा। बात समझे ना? तो यहाँ पर जो सेटिंग प्रोसेस होती है उसको स्लो करने के लिए जो होता है जिप्सम को ऐड किया जाता है किसमें, सीमेंट में, इसलिए आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एथेनॉल की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कराई गई है, और सेकेंड में हाइड्रोलिसिस कराई गई है एसिडिक मीडियम में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको याद आ रहा है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सी डबल ओ एच को किस में बदलेगा? सी एच टू ओ एच में बदलेगा, सही है ना। तो जब ये सी एच टू ओ एच में बदलेगा तो क्या दोनों को बदलेगा? हाँ भाई, दोनों को बदलेगा। तो जब दोनों को बदलेगा तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा क्या? ना, यहाँ पर एक ही बदला, ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर दोनों को बदला, ये करेक्ट मान लेते हैं। चलो यहाँ पर ये वाली प्रोसेस होगी क्या? तो यहाँ पर देखिए ये बदला है, इसके साथ में एस्ट्रिफिकेशन करा दिया, जबकि यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन की जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए तो सी डबल ओ एच बचा हुआ है और ये एस्ट्रिफिकेशन भी हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पर सेकेंड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।